नमस्कार दोस्तों, आज हम करंट अफेयर का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर बात करेंगे। इस साल भारत सरकार ने 6 विदेशी नागरिकों को पद्म से पुरस्कार दिया है। हम जानेंगे कि वह कौन है और किस किस देश से संबंध रखते हैं और क्यों भारत का 4वां सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार उनको मिला है। सबसे ज्यादा फ्रांस के 4 नागरिकों को पद्म से पुरस्कार मिला है, जिसमें सबसे पहले ओलंपिक चैंपियन किरण व्यास, फ्रेड नाइग्रेट, टेरे सेलेवेन चिलोजेट, साथ ही बांग्लादेश की 1 नागरिक रेवाना चौधरी ब्याना और मेक्सिको से डॉक्टर रवि प्रकाश सिंह। चौलक चैंपियन को भारत का 4वां सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार फ्रांस में योग क्रांति लाने की वजह से मिला है। हालांकि खुद 50 साल की उम्र में योग करना शुरू किया था। 100 साल की यह महिला आज भी पेरिस में योग सिखाती है। उन्हें योग के प्रचार प्रसार के लिए पद्म श्री पुरस्कार मिला है। किरण व्यास मूल रूप से गुजरात के रहने वाले हैं। किरण व्यास ने 1982 में तपोवन में योग आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना की। 40 वर्ष से फ्रांस में कल्याण और व्यक्तिगत विकास के लिए जीवन जीने की कला सिखाने में सबसे आगे हैं। 87 साल के पियर सेलेवेन फिलोजेट को पद्मश्री से सम्मानित। पियर संस्कृत विद्वान हैं जो भारतीय संस्कृति का अध्ययन कर रहे हैं और प्रसार भी। फ्रेड नाइग्रेट एक इंडोलॉजिस्ट हैं जो भारतीय संस्कृति के बारे में जागरूकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। बांग्लादेश की रिजवाना चौधरी ब्याना को 4वें सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। वह एकमात्र बांग्लादेशी हैं जिन्हें यह पुरस्कार दिया जा रहा है। भारत में विश्व भारती विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। उन्हें पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रतिष्ठित बंगभूषण और फिरोजो बेगम मेमोरियल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। भारतीय मूल के वैज्ञानिक डॉक्टर रवि प्रकाश सिंह भारतीय सरकार के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्मश्री से दिया गया है। इस मैक्सिको स्थित अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूँ सुधार केंद्र के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक भी रह चुके हैं। जय हिंद।